अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वन वे स्लैम में और टू वे स्लैम में क्या फ़र्क होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को लाजमी नहीं सब्सक्राइब किया हो, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वन वे स्लैम में और टू वे स्लैम में जो मेन डिफरेंस है वो इनके लोड के डिस्ट्रीब्यूशन का है। कि जो वन वे स्लैब है ये सिर्फ टू साइड पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जबकि टू वे स्लैब तमाम जो फोर साइड्स हैं उन पे लोड तकसीम करेगी। ठीक है, यही इनमें मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर इसको चेक कैसे करते हैं कि जो स्लैब वन वे स्लैब है और टू वे स्लैब है, इसको चेक करने के लिए हम जो लॉन्गर स्पैन है जैसा कि एल एक्स से डिनोट किया गया है इसको डिवाइड करेंगे शॉर्ट स्पैन से जो जहां के एल वाई से डिनोट किया गया है। तो अगर आंसर टू से बड़ा है तो इसका मतलब ये वन वे स्लैब है, अगर टू या टू से कम है तो इसका मतलब ये है कि जो टू वे स्लैब है। फर्ज कर लें जहाँ पे लॉन्गर साइड की जो डिमेंशन है वो 20 फीट है, शॉर्ट साइड की डिमेंशन 8 फीट है, तो आंसर टू से बड़ा आएगा, इसका मतलब ये वन वे स्लैब होगी। अगर जहाँ पे लॉन्गर साइड 20 फीट है और जो शॉर्ट साइड है वो 10 फीट या 10 फीट से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि जो आंसर है टू या टू से कम आएगा, तो इसका मतलब इससे इसको टू वे स्लैब कहेंगे हम। ठीक है, और टू वे स्लैब में जो लोड होगा वो चारों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। दोस्तों वन वे जो स्लैब होती है जस इसको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ टू साइड पे सपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि ये लोड सिर्फ टू साइड पे ही डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो हम इसको मिनिमम जो सपोर्ट की जरूरत होगी वो टू साइड पे सपोर्ट की जरूरत होगी। ठीक है, जबकि इसके बरक्स टू वे स्लैब को सपोर्ट करने के लिए हमें फोर साइड पे सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो चारों साइड पे होती है। अगर हम स्टील रीइंफोर्समेंट की बात करें तो वन वे स्लैब में सिर्फ वन डायरेक्शन में मेन बार होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाली जो मेन बार है और ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड की जाती है सिर्फ टेम्परेचर या श्रिंकेज लोड को ब्रश करने के लिए। इसकी मकदार कम होती है, जैसे मतलब कि इसमें स्पेसें ज़्यादा रखी जाती है। फर्ज कर लें अगर मेन बार की स्पेसें 6 इंच 7 इंच आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन में के बार वोमन 12 इंच की स्पेस पे होगी। ठीक है, जबकि टू वे स्लैब में दोनों साइड पर मेन बार प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि इसमें लोड चारों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमें दोनों साइड पे मेन बार प्रोवाइड करेंगे। शॉर्ट साइड वाली ये होगी प्राइमरी मेन बार और ये होगी सेकेंडरी मेन बार। दोस्तों जब वन वे स्लैब की डिफ्लेक्टर शेप की बात करें तो ये कर्व शेप होती है ऐसे, क्योंकि इसमें लोड सिर्फ टू साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये कर्व की शक्ल अख्तियार कर लेती है, जबकि टू वे स्लैब एक बाउल या डिश की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसमें चूंकि लोड फोर साइड पे तकसीम होता है तो ये दोनों साइड पे कर्व बांधती है, जिससे ये डिश या बाउल की शेप अख्तियार कर लेती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में पोस्ट करें, उसके बारे में लाजमी आपको बताया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो उस पर लाजमी वीडियो भी बनाई जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।